Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So this is your second class of your second assignment. So हम लोगों ने last class में अपना button extension सब कुछ mark किया था और फिर इसे दोबारा mannequin पे लगा दिया था. Now if you notice one thing, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा ये बहुत straight आ रहा है और अगर मैं यहाँ से ये ease पकड़ूँ तो देखें बहुत ज़्यादा ease है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने hip पे 3 keys add की थी लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है. तो अब मैं ये करूँगी, मैं इसे एक फ्लैट में उतारूँगी और मैं यहाँ से 0.5 दोनों साइड्स पे ले जाके इसको बिल्कुल स्ट्रेट जॉइन कर दूँगी अपने अंडर आर्म पॉइंट के साथ. तो मैं जल्दी से करूँगी और इसे मैं दोबारा मैनिकन पे पिन कर दूँगी. अब अगर आप यहाँ देखें तो मैंने 1.5 अंदर यहाँ से और 1.5 फ्रॉम द बैक अंदर गई हूँ और मैंने उसको ब्लेंड किया है अपने जो मेरे 1 लोअर किया हुआ था आर्म होल उसके साथ. अब मैं इसको दोबारा पिन करूँगी, मैं रफ अलाउंसेस कट कर लूँगी और मैं फिर अपना कॉलर बनाऊँगी. आफ्टर टेपरिंग अबाउट अराउंड 1.5 आई हैव प्लेस्ड इट बैक ऑन द मैनिकन. नाउ वन मोर थिंग विच यू नीड टू नो राइट नाउ इज कि जब हमने कॉलर बनाना है ना तो ये हमारा फोल्ड होकर लपेल फॉर्म करेगा इस तरह. तो उसके लिए हमारा ये जो पॉइंट है ना द ब्रेकिंग नॉच, उसको फिक्स होना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रेकिंग नॉच वाले पॉइंट को जो कि ये वाला पॉइंट है, मैं इसको बहुत स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे पिन कर दूँगी बिल्कुल, ठीक है. जब मैंने उसे वहाँ पे पिन कर दिया फिर मैं अपनी बस्ट की भी पिन निकाल लूँगी, मैं अपनी नेकलाइन की पिन भी निकाल लूँगी. और मैंने देखें यहाँ पर वो जो 1.5 मैंने अवे की थी मैंने वहाँ पर बस पिन लगाई हुई है, देखें वहाँ पिन इंसर्टेड है. तो मैं इसको बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ब्लेंड कर वो फोल्ड कर दूँगी. ये देखिए ये मेरा उसी पॉइंट के ऊपर रोल हो गया. अब जहाँ ये रोल हुआ है वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यू नो स्मूथ कर लूँगी. ये देखिए हमारा लपेल फोल्ड हो चुका है रोलिंग लाइन पे. अब माय नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मैं स्केच को देखते हुए इसके ऊपर जो मेरे लपेल की मार्किंग है जो इस तरह आ रही है मैं वो रिबन से मार्क करूँगी. नो एज यू कैन सी आई हैव मार्क द डिज़ाइन लाइन ऑफ माई कॉलर और सॉरी लपेल विद अ रिबन. तो अभी मैं इसको कंपेयर करूँगी अपने स्केच के साथ, काफ़ी देर में इसका कंपेरिजन करूँगी. अगर आप ये देखें तो अभी ये ऑलमोस्ट वैसा है लेकिन मुझे लगता है हमें यहाँ से थोड़ा सा इसे सही करना है. देखें थोड़ा सा यहाँ से बेहतर किया. अब मुझे यहाँ से देखने के लिए ना चीज़ों को मैं चाह रही हूँ मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करूँ अंदर की तरफ. ये हर बंदे की अपनी टेक्निक है, जिस तरह आप कंफर्टेबल फील करते हो. बस हमारे पास शेप अच्छी आनी चाहिए उस तरह की. देखें अब मैं थोड़ा सा ना इसको अंदर फोल्ड करके मैं इसलिए देख रही हूँ ताकि मुझे पता लगे कि जिस तरह मेरे स्केच में बना हुआ है मेरा थोड़ा सा डार्ट से इधर नज़र आ रहा है तो मेरी ई स्प्लिट. तो मैं इस तरह रख के देख रही हूँ कि क्या मेरी ई स्प्लिट उतनी नज़र आ रही है फाइनल लुक में. तो देखें उतनी को आ रही है. तो मैं इसको दोबारा कंपेयर करूँगी और मुझे लगता है कि अब ये ठीक है या इसको मैं थोड़ा सा और अंदर भी कर सकती हूँ इफ़ आई वॉन्ट टू. थोड़ा सा मैं इसे नीचे ले आऊँ यहाँ तक इस तरह. A bit more curvy. अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से ना ऊपर करना पड़ेगा. मैं अब बस से ऑलमोस्ट यहाँ तक ही होगा, बस तक है, बस से थोड़ा सा ऊपर है बिल्कुल स्लाइड सा, ठीक है. मतलब मेरे इस नॉच तक आ रहा है और उसके बाद में इसके लिए ये नहीं कि आप बहुत जल्दी से कर लोगे, इसको टाइम लगेगा सेट होने में. इसको जितना टाइम लगता है आपने इसको उतना टाइम देना है क्योंकि हमें एक अच्छा कॉलर बनाना है. मैं इसकी अब सेटिंग कर रही हूँ, मुझे लगता है थोड़ा सा और ना इसे ऐसा होना चाहिए.
थोड़ा सा और यहाँ से या नीचे होगा। अभी भी मुझे लगता है मेरा इसको थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँगी। नाउ आई थिंक दिस लुक्स फाइन। हाँ, नाउ दिस लुक्स फाइन। अब बस यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा ना नीचे आ जाएगा तकरीबन। Maybe this much. Something like this. तो अगर अब मैं compare करूँ, हाँ now this looks perfect. अब मैं इसको इसकी markings ले लूँगी सारी यहाँ तक और उसके बाद मैं इसको true करूँगी। और हाँ साथ ये वाला भी point mark कर सकते हैं, देखें almost यहाँ पे ना, देखिए अगर मैं अपने sketch को साथ रखती हूँ, if this is the middle और अगर यहाँ पे ये middle है तो उससे ऑलमोस्ट मिड से ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे नॉच आ रहा है, जो मेरा नॉच होगा ऊपर के कॉलर का वो यहाँ पे आ रहा है। तो आप ये नॉच भी मार्क कर लें और उसके बाद हम इसको ट्रू कर लेंगे। और अभी भी मुझे लगता है मैं अपने कॉलर को ना थोड़ा और ऊपर लेके जा सकती हूँ। मैं तकरीबन इसको यहाँ तक ले जाऊँगी क्योंकि आई थिंक उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसकी ड्रॉइंग करेंगे अब हम और उसके बाद इसे दोबारा मैनिक्विन पर लगाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेमो में हम कॉलर बनाएंगे।